महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल इंडोनेशिया घरेलू कमी को कम करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य तेल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने ये घोषणा की है। विडोडो ने कहा, मैं इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन जारी रखूंगा ताकि देश में खाद्य तेल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में और वाजिब कीमत पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध जल्द लागू होंगे और अनिश्चित समय तक जारी रहेंगे। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब इंडोनेशिया में लोग खाद्य वस्तुओं की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत खाद्य तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अपने आधे से अधिक पाम तेल आयात के लिए शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया पर निर्भर है। यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।